जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में सातवें अध्याय की कथा। अब तक आपने एक से लेकर के जो कि छठे अध्याय कथा को श्रवण किया। अगर पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से जा करके कथा को श्रवण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव का पूजन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अधिक मास में जितने भी पुण्य कार्य किए जाए उसका कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दौरान भगवान का पूजन आदि का कार्य करते हुए अधिक मास का कथा भी अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में सातवें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्व देवी देवता की जय। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बद्रीपते, पुरुषोत्तम ने क्या किया सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए, अतः मैं सब कहता हूँ सो आप सुनिए। यह आख्यान सत्कृति पुण्य यश सुपुत्र का दाता राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता का नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ पर आए, इससे आप लोकों में कीर्ति पाएंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया है उसको हमने ही स्वीकार किया ऐसा समझे, अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कृति के अनुभव से, षडैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं, उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसा लोक में प्रसिद्ध हूँ। वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने भी गुण हैं, वे आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है, वह भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिक मास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इन नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिक मास सब मासों का राजा होगा। यह अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इनकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्रों का नाश हो जाएगा। चैत्रादि सब मास सकाम है, इसको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिक मास का पूजन करेगा, वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं, हे गरुड़ ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को प्राप्त नहीं होते हैं। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पा लेंगे। यह अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की
सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, तैसे ही मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चातुर्य मास आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं। परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है, वह अपने समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में लीन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता, जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरे परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है? यह अधिक मास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है, और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दिया है। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है, इसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास में जो भक्त है उसकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता। मेरे मास के जो भक्त हैं, वे मेरे अत्यंत प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिक मास में जप दान नहीं करते हैं, वे महामूर्ख हैं। और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ दुजों से द्वेष रखते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सिंग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नान आदि न करने वाले को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते हैं, वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि को से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं? जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिक मास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य ही करनी चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिक मास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है। इसलिए अधिक मास की चिंता त्याग करके रमापते आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाइए। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण करके भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर
गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ धाम को चले गए। इस प्रकार से श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में सातवें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छा लगा हो। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण करेंगे, इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।